डेट 23 जून 1985, तकरीबन एक घंटे के अंतराल पे आतंकवादियों ने बड़े चालाकी के साथ दो एयर इंडिया के प्लेन्स में ब्लास्ट किए, जिसमें एक ब्लास्ट 31,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भर रहे प्लेन में होता है एंड सेकेंड ब्लास्ट एयरपोर्ट पे होता है। दोनों ब्लास्ट में टोटल 331 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसा क्या हुआ था दोनों प्लेन्स के साथ, कैसे हाई सिक्योरिटी के बाद भी प्लेन्स में बॉम्ब रखे गए, कौन था इसके लिए जिम्मेदार, क्या थी इसकी वजह, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के आर प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट 23 जून 1985, बोइंग 747 सीरीज के प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से तीन स्टॉपेज, जिसमें कनाडा का ही एक शहर मॉन्ट्रियल, देन लंदन, देन दिल्ली होते हुए मुंबई के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद इसकी फर्स्ट डेस्टिनेशन मॉन्ट्रियल होती है, जहां से प्लेन को अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन लंदन के लिए उड़ान भरना होता है। मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद एयर इंडिया फ्लाइट 182 में कुछ लगेज एंड कुछ पैसेंजर्स चढ़ाए एंड उतारे जाते हैं, जिसमें टोटल 329 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 22 क्रू मेंबर्स के साथ प्लेन अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन लंदन के लिए रवाना हो जाती है। चूंकि जून में कनाडा में भीषण गर्मी के कारण यूजली समर वैकेशन दे दी जाती है, सो ट्रैवल करने वालों में मोस्टली पैसेंजर्स अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने लंदन जाने वाले होते हैं। इन पैसेंजर्स में 268 कैनेडियन सिटीजन्स, 27 ब्रिटिश सिटीजन्स एंड 24 इंडियन सिटीजन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। इन्हीं 24 इंडियन पैसेंजर्स में से इंडिया के जाने माने एक्टर इंदर ठाकुर भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के मशहूर फिल्म नदिया के पार एंड तुलसी जैसे फिल्मों में काम करके अपने अदाकारी का जलवा बिखेर चुके होते हैं। मॉन्ट्रियल से उड़ान भरने के बाद प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भर रही थी, जिसे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करना था। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ATC एयर इंडिया के फ्लाइट 182 के साथ दो और प्लेन्स को भी डायरेक्शन बता रहे थे। तीनों प्लेन्स एक ही डायरेक्शन की तरफ पैरेलली फ्लाई कर रही थी। तीनों के बीच करीब 1000 फीट से लेकर 4000 फीट के डिस्टेंस का डिफरेंस था, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल माना जाता है। ATC के 2D स्क्रीन पे ये तीनों प्लेन सेम दिख रहे थे। नॉर्मली ऐसे कंडीशंस में कोई एक प्लेन सडनली रडार से गायब हो जाती है, पर कुछ ही सेकंड में ये वापस आ जाती है। ATC के स्क्रीन के सामने ही एयर इंडिया फ्लाइट 182 सडनली रडार से गायब हो जाती है एंड ATC कर्मचारी बिना टाइम वेस्ट किए प्लेन के कैप्टन हंसे सिंह नरेंद्र को कॉन्टेक्ट करते हैं, पर ATC को कोई जवाब कैप्टन के साइड से नहीं मिल पाता है। ATC कुछ टाइम तक बार बार कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर हर बार नाकामयाबी हाथ लगती है। किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं मिलने के कारण ATC को कुछ गड़बड़ लगता है एंड फौरन अटलांटिक ओशन में कुछ कार्गो शिप्स को भेजने का सुझाव देता है, जहां पे फ्लाइट की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई थी। कार्गो शिप्स उस लोकेशन पे पहुंचती है एंड साथ ही ये कंफर्म करती है कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 का मलबा समंदर में बिखरा पड़ा है। साथ ही प्लेन के कुछ टुकड़े आयरिश कोस्ट पे भी पाए गए थे, जो कि आयरलैंड के बीच पे स्थित है। इसके साथ ही एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं मिल पाता है। इस भयानक हादसा के बाद जापान के टोक्यो स्थित नरिता एयरपोर्ट से एक और ब्लास्ट की खबर मिलती है, जिसमें यह बताया जाता है कि एक और एयर इंडिया के फ्लाइट 301 में कार्गो लोडिंग के दौरान विस्फोट होता है, जिसमें दो बैगेज हैंडलर्स की मौत हो जाती है। दोनों प्लेन्स में भयानक बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद यह पता लगता है कि दोनों ब्लास्ट एक दूसरे से लिंक थे, जिसके लिए बॉम्ब को अलग अलग सूटकेसेस में छुपाया गया था एंड कनाडा के वैनकूवर एयरपोर्ट के थ्रू चेक इन किया गया था। इन दोनों ब्लास्ट के बाद ये खबर तुरंत इंडिया और पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल जाती है एंड हर तरफ शोक के बादल गहरा जाते हैं, क्योंकि दो प्लेन बॉम्ब ब्लास्ट में टोटल 331 लोगों की जान जा चुकी थी, इंक्लूडिंग नदिया के पार एंड तुलसी जैसे मशहूर फिल्म के अभिनेता इंदर ठाकुर। क्रैश स्पॉट के इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन टीम को टोटल 329 पैसेंजर्स में से ओनली 131 पैसेंजर्स की बॉडीज मिल पाई। बाकी पैसेंजर्स की बॉडीज समंदर की गहराइयों में कहीं खो सी गई। सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां मेडिकल टीम ये जानने की कोशिश करती है कि उनकी मौत कैसे हुई। काफी एनालिसिस के बाद मेडिकल टीम ने यह बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत 31,000 फीट की ऊंचाई पे ही हो गई थी एंड दो लोगों के बॉडी की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थी। इससे पता चल रहा था कि 31,000 फीट की ऊंचाई पे ही प्लेन ब्लास्ट हो गई थी या कुछ तो ऐसा हुआ था। ऐसे कई और सवाल उठे थे, लाइक ये पता नहीं चल पा रहा था कि प्लेन में कब और कैसे ब्लास्ट हुआ एंड कैसे ये घटना आखिर 31,000 फीट की ऊंचाई पे हुई थी।
सारे सवाल के जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था, जिसे 12 जुलाई 1985 को समंदर के 6500 फीट की गहराइयों में ढूंढा जाता है। ब्लैक बॉक्स में मिले रिकॉर्ड एंड डिस्कशन को जांच एजेंसी ने डिकोड किया एंड ये पाया कि हादसे के कुछ समय पहले भी सब कुछ प्लेन में नॉर्मल था, पर कुछ ही समय बाद किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं देती है। इससे ये साफ हो गया था कि प्लेन में बैठे किसी भी व्यक्ति को इस हादसे के बारे में कोई खबर नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब दो पॉसिबिलिटीज का अनुमान लगाया, पहला मैकेनिकल फेलियर और दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट। मैकेनिकल फेलियर का कोई भी प्रूफ नहीं मिलने की वजह से यह कंफर्म हो गया था कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 के हादसे के पीछे का कारण सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट ही था। सो ये कंफर्म होने के बाद यह पता लगाना था कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार कौन था एंड एयरपोर्ट्स पे इतने कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी बॉम्ब बैग्स को कैसे ट्रेस नहीं किया जा सका। जांच पड़ताल से यह पता चला कि डेट 22 जून 1985 को मंजीत सिंह उर्फ मिस्टर एम सिंह नामक एक व्यक्ति अपने लोकल टाइम सुबह 6:30 पे टोरंटो एयरपोर्ट पहुंचता है एंड एयरपोर्ट कर्मचारी को टिकट कंफर्म होने का क्लेम करता है। टोरंटो से मॉन्ट्रियल तक फ्लाइट 182 को फ्लाइट 181 बनकर आना था, देन मॉन्ट्रियल से 181 फ्लाइट 182 बनकर इंडिया के लिए अप्रोच करना था। सो एयरपोर्ट कर्मचारी ने एम सिंह को यह बताया कि उसकी टिकट फ्लाइट 181 में टोरंटो से मॉन्ट्रियल तक कंफर्म है, बट मॉन्ट्रियल से बॉम्बे तक कंफर्म नहीं है, जिसकी वजह से चेक इन अलाउ नहीं किया जा सकता है। इसके बदले सिंह को अल्टरनेटिव प्लेन का ऑफर दिया गया, बट उसने ठुकरा दिया। थोड़ी देर बाद सिंह ने एयरपोर्ट एजेंट जेनी एडम से ये रिक्वेस्ट की कि मेरे बैग को चेक इन करा दिया जाए, बट जेनी ने मिस्टर सिंह को इसके लिए मना कर दिया। मना करने पे मिस्टर सिंह ने जेनी को ये बोलकर धमकी दी कि वेट, आई विल गेट माई ब्रदर फॉर यू, एंड ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। उसके इस धमकी से जेनी मीवी डर जाती है एंड उसके बैग को ये बोलते हुए चेक इन करा देती है कि आपके बैग को मॉन्ट्रियल में बॉम्बे के लिए दोबारा चेक इन कराना होगा। एंड इस तरह मिस्टर एम सिंह के बिना ही बॉम्ब वाला बैग फ्लाइट में चेक इन करा दिया जाता है। फ्लाइट जब टोरंटो से मॉन्ट्रियल पहुंचती है, उस दिन एयरपोर्ट पे एयर इंडिया फ्लाइट 182 में चेक इन करने वाली एक्सरे मशीन खराब होती है, जिसके कारण चेक इन करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी PDD-4 पोर्टेबल डिवाइस का यूज कर रही थी। चूंकि बॉम्ब वाले बैग को जब चेक इन किया जा रहा था, तो उस टाइम उस मशीन में काफी धीमी आवाज में बीप बीप सी आवाज सुनाई दी थी, बट इंस्पेक्शन करने वाले चेकर ने इसे इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उस टाइम तक चेकर को इस सिचुएशन के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी कि स्लो बीप बीप की आवाज बैग के जिप के पास से आने पे कैसे रिएक्ट करना है और क्या करना है, जिसके कारण चेकर ने उस बैग को अलाउट कर दिया था। जांच में यह भी पता चलता है कि बॉम्ब वाले बैग को चेक इन के बाद एरोप्लेन में इलेक्ट्रॉनिक सेंसिफल जगह पे रखा गया था एंड इस तरह 22 जून 1985 इंडियन टाइम रात 9 बजे फ्लाइट 181-182 बनकर बॉम्ब वाले बैग के साथ एंड इंक्लूडिंग 329 पैसेंजर्स मॉन्ट्रियल से लंदन के लिए उड़ान भर देती है, जिसे वहां से दिल्ली एंड देन बॉम्बे जाना था। ऐसा ही कुछ हुआ टोक्यो के नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां पे मिस्टर एल सिंह नामक शख्स एयर इंडिया फ्लाइट 301 में बॉम्ब से बड़े बैग को चेक इन करवाता है, जिसे बैंकॉक जाना होता है, बट कुछ एयरपोर्ट सर्कमस्टांसेस के कारण प्लेन लेट हो जाती है एंड पैसेंजर्स के ऑनबोर्ड होने के पहले ही एयरपोर्ट कार्गो शिपमेंट के दौरान कोइंसिडेंसली बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें 2 बैगेज हैंडलर्स की मौत हो जाती है एंड 4 जख्मी हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चलता है कि दोनों फ्लाइट्स के बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे एक ही कम्युनिटी का हाथ था। कैनेडियन एंड इंडियन गवर्नमेंट्स ने यह कंफर्म किया कि बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे सिख एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट बाबर खालसा का हाथ था एंड इसके साथ ही इस घटना में इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का भी हाथ पाया गया था एंड इस घटना को बदला लेने की भावना से अंजाम दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि इंडिया में पंजाब के गोल्डन टेम्पल के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कई सिख मिलिटेंट्स को मारा गया था, जिसके कारण बाबर खालसा कम्युनिटी के लोग इसका बदला लेना चाहते थे। बता दें आपको, बाबर खालसा को एक टेररिज्म कम्युनिटी के पॉइंट से देखा जाता है, क्योंकि इस कम्युनिटी के लोगों का यह मानना था कि सिख लोगों का एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, जिसका नाम खालिस्तान होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
तकरीबन 20 साल तक इस घटना के इन्वेस्टिगेशन ट्रायल्स चलती रही। डेट 17 जून 2010 को फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जॉन मेजर ने बॉम्ब बनाने वालों को 10 साल जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने कनाडा पुलिस एंड कनाडा इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने उस टाइम पे कैनेडियन एजेंसी को ये वार्निंग दिया था कि एक्सट्रीमिस्ट के कारण ऐसे अटैक्स की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पर कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया था, जिसकी वजह से 329 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर कनाडा में इस वार्निंग को सीरियसली लिया गया होता तो ये भयानक हादसा नहीं होता। तो ये थी फ्लाइट 182 के ब्लास्ट की पूरी कहानी। इस फ्लाइट ब्लास्ट डिजास्टर को कनिष्का ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फ्लाइट 182 को भारतीय रिचुअल में कनिष्का के नाम से भी जाना जाता था। आपकी नजरों में इस डिजास्टर के लिए बावर खालसा कम्युनिटी के अलावा कौन जिम्मेदार था, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।